एक मिनट रुकिए, तुम ना डेली यहाँ से गुजरा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे भाई जैसे हो और मुझे छेड़ रहे हो। मैं आपको छेड़ नहीं रहा। अरे क्या सोच रहे हो, लो ना पैसे। ठीक है, कल मुझे इससे भी ज्यादा पैसे देना तो मैं यहाँ से रोज गुजरा करूँगा। हाँ हाँ, मैं इससे भी ज्यादा पैसा दूंगा कल, तुम यहीं से गुजरा करो। ओके डन। चले। ये पैसे किसने दिए? एक घर की लड़का मिला था रास्ते में, वो ये कहता है कि रोज इस रास्ते से गुजरा करो तो मैं तुम्हें रोज पैसे दिया करूँगा। तुम यहीं रुको, अभी मैं उसको सबक सिखा के आता हूँ। तुमने उससे पैसे क्यों लिए? रुको, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे पैसे लेके उसे सबक ही तो सिखा रही हूँ। देखते है ना वो मुझे कब तक पैसे दे सकता है। ये सही कर रहे हो तुम उस लड़के के साथ, चलो चलते हैं। ये लो कल से भी ज्यादा पैसे, मैंने तुम्हें वादा किया था ना, कल से भी ज्यादा पैसा दूंगा। ये लो, बस तुम यहीं से गुजरा करो। ये तो ठीक है, पर मेरे पास फोन नहीं है और मेरी आईफोन लेने की बहुत इच्छा है। चलो ठीक है, कल तुम्हारे लिए मैं आईफोन लेके आऊंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी बेचना पड़े। देखते हैं। आ गए आप? हाँ, देखो मैं कल से भी ज्यादा पैसे लाई हूँ आज उस की बेवकूफ लड़के से। क्या बात है, सही लूट रही हो उस बेवकूफ लड़की को। हाँ, आईफोन का बोल दिया ना उसको, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। वेरी गुड, चलो ये लो आईफोन, ये लो, बस यही से डेली गुजरना। वाह, आप तो सच में आईफोन ले आए। अब तो तुम डेली यहाँ से जाया करोगे ना? हाँ जाऊंगी। आईफोन तो ठीक है, आप ये मेरी फिंगर्स देख रहे हैं कितनी खाली है, अगर इनमें डायमंड की रिंग आ जाएगी तो फिर मैं यही से गुजरा करूँगी। क्या, डायमंड की रिंग? हाँ डायमंड की रिंग, क्यों नहीं ला पाओगी क्या? ठीक है मैं कुछ करता हूँ। देखो तुमने आईफोन का कहा था ना, वो भी लेकर आ गई मैं। नंबर वन का पागल है वो मेरे लिए, सब कुछ करता जा रहा है वो। आईफोन ही है, मजा आ गया, सच में वो पागल है। तुम्हारे सिर्फ गुजरने की वजह से इतना कुछ दे रहा है वो तुमको। और हाँ, डायमंड की रिंग का बोला कि नहीं? हाँ मैंने डायमंड की रिंग का बोला तो है, पर अब पता नहीं लाएगा या नहीं। अरे चिंता मत करो, लाएगा लाएगा, जरूर लाएगा। ये लो डायमंड की रिंग, मेरी माँ के जो इलाज के लिए पैसे थे ना, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रिंग लाया हूँ, पर प्लीज आप यही से जाया करो। वो तो ठीक है, पर माँ के इलाज के पैसों से क्यों लाए तुम? उसके बारे में तुम कुछ मत सोचो, बस तुम ये रख लो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, कल से शायद मैं यहाँ से ना गुजरूँ। पर क्यों? मैं तो तुम्हें सब कुछ ला के दे रहा हूँ ना, तुमने जो जो चीज मांगी है मैं सब कुछ तो ला कर दे रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि अब मैं पैदल नहीं चलना चाहती, तुम मुझे कार दिलाओगे? कार? ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करके लेके आता हूँ। अब तो शायद मुझे भीख ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो उसने मुझे रिंग भी दे दी। रिंग भी दे दी? हमारा प्लान काम कर रहा है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस लड़के के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अरे वो जब तुम्हें जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें दे रहा है, तो फिर मना क्यों कर रही हो? बस तो उससे हर चीज मांगती जाओ, एक दिन ऐसा आएगा वो खुद ही वहाँ से हट जाएगा। और हाँ, तुमने उससे कार मांगी या नहीं? हाँ, वो तो मांगी है मैंने। नेहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए कि वो आखिर पैसे लाता कहाँ से। हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो, हम चलकर देखते हैं। चलो। यहाँ पर तो नहीं है वो, शायद कहीं आगे होगा, वहाँ देखते हैं। कुलदीप, ये तो वही लड़का है। ये क्या बात कर रही हो तुम, ये तो भिखारी है। लेकिन वो तो अमीर लड़का होगा ना जो तुम्हें सारी चीजें देता है। नहीं नहीं कुलदीप, ये वही है, चलो मुझे उससे बात करना है। ये तुमने क्या होलिया बना रखा है और तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हो? अरे तुम यहाँ? अरे ये सब कुछ नहीं है। तुम ये भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कार आ जाएगी, तुम टेंशन मत करो। नहीं, मुझे आज सब कुछ जानना है कि सारी चीजों के बदले तुम ये काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? बात ऐसी है, जिस रास्ते से तुम जाती हो ना, उसी रास्ते पे पहले मेरी बहन भी जाती थी, मेरी एक ही बहन थी और उसको मैंने बहुत नाजों से पाला था। तुम्हारी तरह रोज उसी रास्ते से मेरी बहन पढ़ने जाती थी, लेकिन एक दिन उसी रास्ते से मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया। उसके बाद मैंने उसे बहुत जगह पे ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। पुलिस, लोग, रिश्तेदार सबको पूछा, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। फिर मैंने तुम्हें एक दिन अचानक उसी रास्ते पे देखा, तुम बिल्कुल सेम मेरी बहन जैसी लगी, इसीलिए मैंने सोचा
तुम्हें लालच देकर उसी रास्ते में गुजरने के लिए बोलूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरी बहन जिंदा है, और तुम्हें बिना लालच के जाने के लिए बोलता शायद तुम मुझे गाला समझती। हो सकता है अगर आप ये सारी बातें मुझे पहले बताते तो मैं आपकी बातों को समझ जाती। अगर मेरी बहन की बातें तुम्हें पहले बता देता तो तुम तो मुझे शायद पागल ही समझ लेते। मुझे माफ कर दो, चीजों की लालच में आकर मैं तो आपके साथ गलत ही करती गई। भाई सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जैसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। तुम एक काम करो, ये तुम्हारा आईफोन और ये पैसे रख लो। हाँ भैया रख लो, और ये जो रिंग आपने दी थी ना ये भी रख लो। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें तो मैंने मेरी बहन को दी थी। बस तुम खुश रहो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि अभी भी मेरी बहन जिंदा है और मेरी आंखों के सामने है और खुश है। कोई बात नहीं भैया, पर अब तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से तुम हमेशा मेरे भाई हो। अब से हमारा रिश्ता हमेशा भाई बहन का रहेगा, और मैं उसी रास्ते से गुजरूंगी ताकि तुम्हें हमेशा एहसास हो कि तुम्हारी बहन जिंदा है।